मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से एक ज्ञान करता हूँ। बिहार के बेतिया का हवाई अड्डा ग्राउंड तंबू लगने शुरू हो चुके हैं, तैयारियां जोरों पर है। बड़ी बड़ी मशीन मैदान को समतल कर रही है, कोई कसर ना रह जाए। बड़ा सा पंडाल और भव्य स्टेज, सब कुछ बन रहा है। होर्डिंग कैसे और कहां लटकाए जाएंगे, जगह तय हो गई। लकड़ी के खांचे भी बन गए, बांस बल्लियां भी ट्रकों में भरकर पहुंच चुकी। सबको 4 फरवरी का इंतजार था, क्योंकि चंपारण में प्रधानमंत्री मोदी आने वाले थे, उनकी रैली होने वाली थी। सुनिए, प्रधानमंत्री जी 4 तारीख को 1 बजे दिन में इस बेतिया के हवाई अड्डे ग्राउंड पे आ रहे हैं, और यह चंपारण वासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। हम उनके स्वागत के लिए बहुत आतुर भी हैं। मेरी जानकारी से 19,000 करोड़ की बिहार के विभिन्न योजनाओं को अप्रूवल मिल चुका है, और मुझे लगता है कि यह राशि और बढ़ेगी। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बेतिया के सांसद संजय जायसवाल का ये बयान 23 जनवरी का है, लेकिन इसके बाद से तो बिहार की सियासत में काफी पानी बह गया। बयान उस वक्त दिया था जब बिहार में बीजेपी विपक्षी पार्टी थी और नीतीश महागठबंधन के मुख्यमंत्री, लेकिन समीकरण बदले, नीतीश बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बन गए और आरजेडी विपक्ष में आ गई। नीतीश को 9वीं बार सीएम बने 2 दिन भी हो गए। लगा था इस बार प्रधानमंत्री की रैली जब होगी तो नए गठबंधन पर बेतिया की रैली वाले मंच से पक्की मोहर लग जाएगी। मोदी के दौरे पर उत्तर बिहार को 19,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, लेकिन तभी नया अपडेट आ गया, मोदी की रैली अचानक टाल दी गई। ये बताने भी खुद संजय जायसवाल ही सामने आए। प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 4 तारीख था, उसको 2-3 दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया है। कार्यक्रम के जैसे भी फाइनल डेट आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, पर वहाँ सारी तैयारियां चल रही हैं और अभी भी चल रही हैं। सबको पता है कि प्रधानमंत्री के पास सैकड़ों काम होते हैं, उनका एक एक मिनट कीमती है। एक दिन में कई दौरे लगते हैं, और बिहार की जनता ये जानती है कि रैली तो देर सवेर हो ही जाएगी, मगर वो ये जानना चाहती है कि आखिर ये टाली क्यों गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 13 जनवरी को बेतिया आने वाले थे, लेकिन व्यस्तता की वजह से ऐसा हो ना सका। 27 जनवरी को बेतिया के सगौली में पब्लिक मीटिंग तय की गई थी, मगर तब बिहार की सियासत में उलटफेर के संकेत थे, इसलिए समय फिर बदला गया। कहा गया मोदी अब 4 फरवरी को बेतिया जाएंगे। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अलायंस किया, सीएम पद की शपथ ली। रैली की तैयारियों के बीच तीसरी बार रैली स्थगित कर दी गई। अब कहा जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में पीएम बिहार आ सकते हैं। बस इसी बात को विपक्ष ने मुद्दा बनाकर पकड़ लिया है और मोदी के फिलहाल बिहार नहीं आने पर अपना ही विश्लेषण करना शुरू कर दिया है। ये भी हो सकता है कि उनके साथ मंच साझा नहीं करना चाह रहे मुख्यमंत्री जी के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ, जो उन्होंने फिर से एनडीए के साथ हाथ मिलाया, तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले मंच साझा कर लें और फिर नीतीश कुमार पलटी मार के चले जाएं। तो इसी कारण से जो है अब जदयू के कार्यकर्ता हमारे साथ मिल करके हमारे जिले में, हमने ग्रास रूट में इतने सारे प्रोग्राम कर दिए कि अब उनको शक्ल दिखाने में डर लग रहा है कि अब हम जा करके क्या बोलेंगे। क्या यही बात है या वजह फिर कुछ और है? वैसे इस बात में कोई शक नहीं कि इस बार अलायंस में बीजेपी और नीतीश के बीच वो वाली केमिस्ट्री नहीं है जो पहले हुआ करती थी। बीजेपी का पलड़ा भारी है, दिल्ली से ये संदेश दिया गया है कि भले ही सीएम नीतीश रहे, लेकिन बीजेपी की बात डंके की चोट पर सुनी जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी इन बातों को भी समझ रही है कि इस बार आरजेडी पीछे नहीं हटी, आखिर तक सपोर्ट दिया, निकले तो नीतीश ही। बीजेपी जान रही है कि जनता के बीच मैसेज ये गया है कि तेजस्वी तो काम कर रहे थे, सरकारी नौकरियां दिलवा रहे थे। बातें इस तरह की भी हैं कि इस वक्त तेजस्वी यादव के साथ जनता की सहानुभूति है, जनता को लगता है नीतीश ने गलत किया।
चौंकाने वाली बात ये भी है कि इतना सब होने के बावजूद तेजस्वी मुखर होकर नीतीश का विरोध नहीं कर रहे, आदरणीय कहकर संबोधित कर रहे हैं, यानी सम्मान के दायरे में। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है अभी, इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, चलो जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया।